उपराष्ट्रपति पद के लिए आज जगदीप धनखड़ ने पर्चा दाखिल कर दिया है। आंकड़ों का अंकगणित देखें तो धनखड़ की जीत पक्की मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बिसात उनके लिए बिछाई है, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी उनके पाले में नजर आ रही हैं। जबकि ममता ने धनखड़ के रिश्ते से हमेशा से तल्ख माने जाते रहे हैं। हालांकि आज की सबसे गजब की तस्वीरें थी पर्चा दाखिले के वक्त की। जगदीप धनखड़ और मोदी की करीबी बहुत कुछ बयां कर रही थी। इस नामांकन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी महत्वपूर्ण नहीं है, मगर जैसे जैसे तस्वीर आगे खुलेगी खासियत आपकी समझ में आएगी। प्रधानमंत्री के साथ दिग्गज मंत्रियों की मौजूदगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हाईवे वाले नितिन गडकरी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, एनडीए के सहयोगी दलों के प्रतिनिधि, मगर जिसे कहते हैं बॉन होमिंग वो कहीं दिख रही है तो प्रधानमंत्री मोदी और जगदीप धनखड़ में। धनखड़ लगातार प्रधानमंत्री से बातचीत में मशगूल। जब नामांकन पत्र सौंपा गया तो जीत की आश्वस्ति सबके चेहरे पर थी। जेपी नड्डा ने इसी आश्वस्ति के साथ प्रधानमंत्री को कैमरों की ओर मुखातिब किया। नामांकन पत्र सौंपे जाने के बाद धनखड़ ने बड़ी आत्मीयता से प्रधानमंत्री के हाथ थाम लिए। इस आत्मीयता में जो कृतज्ञता थी वो साफ झलक रही थी। इस आत्मीयता और कृतज्ञता को हम आगे डिकोड करेंगे, मगर उससे पहले जरा इस तस्वीर को और करीब से देखिए। प्रधानमंत्री मोदी का अटायर धनखड़ से कितना मैच कर रहा था, इसे कहते हैं एक दूसरे के रंग में रंग जाना। और अब सुनिए धनखड़ साहब ने नामांकन के बाद मीडिया से क्या कहा। किसान के घर में पैदा हुआ, तात्कालिक हालात देखे, पढ़ने के लिए छठी क्लास में 6 किलोमीटर पैदल जाना, स्कॉलरशिप के माध्यम से आगे की पढ़ाई करना, भारत के लोकतंत्र के लिए ये एक मेजर माइलस्टोन मानता हूँ कि साधारण किसान का बेटा आज नॉमिनेशन कर आया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री का कर्तव्य हूँ, लीडरशिप का कर्तव्य हूँ कि उन्होंने मुझे यह सुअवसर दिया। मेरी पृष्ठभूमि को देखते हुए मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि भारतीय राजतांत्रिक व्यवस्था का, प्रजातांत्रिक मूल्यों का बढ़ोतरी हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। मेरे पास शब्द नहीं है व्यक्त करने के लिए। सपने में भी ये नहीं सोचा था कि एक साधारण व्यक्ति के को इस प्रकार का सुअवसर मिलेगा। धनखड़ की ये विनम्रता उधार की नहीं है, उनका बैकग्राउंड सचमुच बहुत हम्बल है और पीएम मोदी की नजर सबसे पहले इसी बैकग्राउंड पर पड़ती है। धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू जिले के किसान परिवार से आते हैं। वो जाट समुदाय की उस उपजाति से आते हैं जो ओबीसी है। विरोधी मोदी के इसी क्वाड्रिलेटरल अटैक में उलझ जाते हैं। अब ब्रांड धनखड़ की विशेषताएं समझ लीजिए। राजस्थान, किसान, जाट और उसमें भी पिछड़ा। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि जगदीप धनखड़ की पृष्ठभूमि संघ और जनसंघ से उनका कोई नाता नहीं रहा। 1989 के राजीव गांधी विरोधी लहर में जगदीप धनखड़ राजनीति में उतरे। उन्हें चौधरी देवीलाल का चेला कहा जाता था। राजीव गांधी के खिलाफ जो भी प्रोटेस्ट होते थे धनखड़ उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे,
उन्होंने अपनी एक छवि बनाई और झुंझुनू से जनता दल का टिकट लेने में सफल हुए, चुनाव भी जीते। इसके बाद वीपी सिंह और चंद्रशेखर के विवाद में उन्होंने चंद्रशेखर का साथ दिया और मंत्री बने। बीजेपी से तो उनकी नज़दीकियां साल 2003 में तब होनी शुरू हुई जब उनकी राजनीतिक संभावनाएं लगभग ख़त्म हो रही थी, लेकिन राजस्थान में उन्होंने जाटों को आरक्षण दिलाने में अहम योगदान दिया। धौलपुर के संपन्न जाटों को छोड़ दें तो पूरे राजस्थान में जाटों को आरक्षण मिला। ध्यान देने वाली बात है कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया उसी धौलपुर राजघराने की बहू हैं। राजस्थान का एक जाट किसान नेता उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, मगर जब पहली बार जेपी नड्डा ने उनकी उम्मीदवारी का ऐलान किया, भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। बंगाल से दिल्ली तक पॉलिटिकल किस्से गढ़ने वालों ने तोहमत लगाई कि जगदीप धनखड़ को बंगाल में सीएम ममता पर सख्ती दिखाने का इनाम मिला, मगर अचानक जब ये तस्वीरें सामने आईं, हर कोई भौचक्का रह गया। जिस ममता के रिश्ते राज्यपाल धनखड़ से बेहद तल्ख माने जाते थे, वो ममता दार्जिलिंग के राजभवन में बेहद कूल माहौल में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की मौजूदगी में न सिर्फ धनखड़ से बात कर रही थी, बल्कि उन्होंने शॉल उड़ाकर धनखड़ का सम्मान भी किया। ये तस्वीर और चौंकाने वाली साबित हुई जब राजनीतिक पंडितों को पता चला, तस्वीर जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान होने से पहले की है। धनखड़ उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मुलाकात के बाद घोषित हुए। अगर ये मान भी लिया जाए कि जगदीप धनखड़ की उम्मीदवारी में ममता की भी सहमति है, तो आप समझ लीजिए कि मोदी युग की राजनीति कितनी दूर तक मार करती है। कहने वाले तो यहाँ तक कह गए कि ममता और बीजेपी में मौन सहमति बन गई है। इस बात को इससे भी बल मिला कि ममता न सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव में एक्टिव थी, बल्कि विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी उनकी ही पार्टी से आए थे। अब ममता ने 21 जुलाई को पार्टी के दोनों सदनों के सांसदों की बैठक बुलाई है। 21 जुलाई को ही राष्ट्रपति चुनाव का भी नतीजा आएगा। 21 जुलाई को ही ममता अपनी रणनीति का ऐलान करेंगी। 21 जुलाई को तय होगा ममता धनखड़ के साथ या अलवा के साथ। मगर इससे पहले ममता पर आरोप की कांग्रेस की अधीरता सामने आ चुकी थी। मुख्यमंत्री अर्थात मोदी एवं दीदीर मध्य अंडरस्टैंडिंग आछे तार हिडन एजेंडा हमारे काछे स्पष्ट आमरा देखते दिल्ली ते देखते पाई दीदी मोदीर मध्य जे समझौता जे वेबलेन चलार पथे वेबलेन भावनार वेबलेन मोदी बोलछे कांग्रेस मुक्त भारत दीदी बोलछे कांग्रेस मुक्त भारत मोदी बोलछे कांग्रेस हटाओ दीदी बोलछे कांग्रेस हटाओ किमिल किमिल तो दीदी मोदीर मध्य जे हिडन एजेंडा তার জন্য রাজ্যপালের কাছে দিদি যাবে চা খাবে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আসবে অবাক হওয়ার কিছু নেই। 2024 সাল আসছে, আবার নাগরিক আইনটা কেমন হবে এবার প্রেজেন্ট হবে। धनखड़ के मुकाबले विपक्ष ने तलाश कर मार्गरेट अलवा को उम्मीदवार बनाया है। वो लंबे समय से राजनीति के बियाबान में चल रही थी। हालांकि उनका पॉलिटिकल ग्राफ देखे तो बतौर सांसद उन्होंने 5 पारियां खेली, केंद्र में 4 बार मंत्री रहीं, महिला कल्याण के लिए कई कानून पास कराने में उनकी अहम भूमिका थी, 4-4 राज्यों के गवर्नर के पद पर भी रहीं, इनमें उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक शामिल है। लिहाजा उनकी योग्यता के मद्देनजर विपक्ष ने उनके नाम पर मोहर लगाई। She was leading some conference, so our contact is not established. And secondly, we also tried to contact Arvind Kejriwal, but message came from his office. The last time, when we have finalized candidature for Rashtrapati, they have announced their support the day before yesterday, and here also they are going to announce
मगर यहाँ गौरतलब बात यह है कि जिस कांग्रेस ने उनके नाम पर मुहर लगाई है, सार्वजनिक राजनीति के अंतिम दिनों में उनके रिश्ते कांग्रेस से बेहद खराब थे। उन्होंने अपनी किताब में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप में कहा था कि सोनिया गांधी पार्टी में मनमाने ढंग से फैसले लेती हैं। फैसले लेने का काम एक चेहरे तक केंद्रित हो गया है। हालांकि कहा जाता है कि इन सारे आरोपों के पीछे उनके बेटे को टिकट न मिलना बड़ी वजह थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।